भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई द्वारा गुरुवार को बाड़मेर के बालोतरा में कार्यवाही करते हुए बालोतरा नगर परिषद आयुक्त जोधाराम बिश्नोई को उसके दलाल प्रकाश बिश्नोई के माध्यम से परिवादी से 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक एसीबी की स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि कृषि भूमि के प्लॉट की लीज डीड जारी करने तथा व्यवसायिक पट्टा जारी करने की एवज में नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त जोधाराम बिश्नोई द्वारा दलाल प्रकाश बिश्नोई के माध्यम से परिवादी से 1,00,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस सवाई सिंह गोदारा के सुपरविजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह एवं मनीष वैष्णव द्वारा मई टीम बालोतरा में ट्रैप की कार्यवाही करते हुए जोधाराम बिश्नोई पुत्र रामजीलाल बिश्नोई निवासी जमसागर जोधपुर एवं उसके दलाल प्रकाश बिश्नोई पुत्र सुखराम बिश्नोई निवासी जोधपुर के माध्यम से परिवादी से अपने आवासीय क्वार्टर के भीतर 1,00,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मौके पर आरोपी आयुक्त द्वारा रिश्वत राशि परसाराम हाल सफाई कर्मी नगर परिषद बालोतरा को देकर फरार कर दिया, जिसकी तलाश की जा रही है। धन्यवाद राजस्थान। रीट पात्रता परीक्षा कोर्स को राजस्थान का टॉप सेलिंग कोर्स बनाने के लिए अब उसी भरोसे को कायम रखते हुए सक्सेस पॉइंट बाड़मेर आपके लिए लेकर आया है शिक्षक भर्ती व सीईटी का संपूर्ण रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स व राजस्थान की टॉप सेलिंग टेस्ट सीरीज। गणपत सिंह राजपुरोहित सर व उनकी अनुभवी टीम के द्वारा तैयार की गई एग्जाम ओरिएंटेड गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्स। लाखों की भीड़ में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का ऑनलाइन कोर्स। परिवादी ने एक शिकायत पेश की कि मैंने एक पट्टा बनवाने के लिए नगर परिषद में आवेदन किया, तो नगर परिषद के यो आशीष जोधाराम और उनका ब्रदर प्रकाश मुझसे रिश्वत में 1,00,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसका हमारे द्वारा मांग सत्यापन करवाया गया। मांग सत्यापन के दौरान पैसे की डिमांड पाई गई, जिस पर आज दिनांक को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया और ट्रैप कार्रवाई के दौरान यो स्वयं ने परिवादी को अपने निजी सरकारी आवास पर बुलाकर और 1,00,000 रुपए प्राप्त कर और एक अन्य व्यक्ति को सूचित की और उस व्यक्ति से कुर्बान करवाए और आगे की तलाश जारी है और ट्रैप कार्रवाई जारी। 1,00,000 रुपए ट्रैप राशि की 1,00,000 रुपए की डिमांड थी और जिसमें जोधाराम यो और उसके दलाल प्रकाश को गिरफ्तार किया जा चुका। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाश जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच की जाएगी। गौरतलब है कि जोधाराम पर बाड़मेर में नगर परिषद आयुक्त पद पर रहते हुए फर्जी पट्टों को लेकर परिवाद दर्ज हुआ था। इसके साथ ही बाड़मेर आयुक्त रहते हुए उनके खिलाफ अनियमितताओं की कई शिकायतें की गई थी। गुरुवार को बालोतरा में उसे रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।